नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी MR नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए सेफ, स्टेबल और हाइजेनिस्ट के 350 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट अगर केवल 10वीं पास है तो आवेदन कर सकता है और आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री होने वाली है। यानी कि आपको घर बैठे अपने मोबाइल फोन से निःशुल्क आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए काफी कम यहाँ पे टाइम आपको मिलेगा। 17 जुलाई 2021 से लेकर 23 जुलाई 2021 के बीच आपको इनके लिए आवेदन करने होंगे। नोटिफिकेशन के अंदर सारी चीजें डिटेल में बताई गई है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी एज क्या रहेगी और कौन कौन से स्टेट के अंदर आपके एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। तो हम लोग डिटेल में सारी चीजें चेकआउट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आपका सपना है इंडियन नेवी को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। आगे हम लोग नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, आपको आवेदन कैसे करना होगा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो वीडियो को अभी एक लाइक करना और आगे आने वाली अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप लोग यहां पे देख पाएंगे डी इंडियन नेवी और यहां पे आपको बोला गया है कि MR यानी कि यहां पे मैट्रिक रिक्रूट आ चुका है अक्टूबर 2021 बैच के लिए। अगर मैं इसको यहां पे जूम करूं तो आप लोग यहां पे देख पाएंगे जो अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है 350 यानी कि 350 आ चुकी है। और यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपका यहां पे मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि यहां पे आपका 10वीं पास होना कंपलसरी है। यहां पे लगभग यहां पे 1750 कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल का यहां पे जो एडमिट कार्ड है वो भेजा जाएगा। और कैसे भेजा जाएगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहां पे आप लोग देख पाएंगे जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर आपको तीन तरह की पोस्टें बताई गई हैं। यहां पे आपको सेफ की, स्टेवर्ड की और हाइजेनिस्ट की, तीनों का काम क्या होता है यहां पे आपको बताया गया है। दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड एज पर मेन्यू और यहां पे बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट, यानी कि आपको यहां पे मेन्यू के हिसाब से खाना बनाना होगा, वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन यानी कि मीट मांस वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग ऑफ रोशन इन एडिशनल दे विल आल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज एज पर सर्विस रिक्रूटमेंट, यानी कि खाना बनाने के अलावा, राशन का हिसाब रखने के अलावा आपको ड्यूटी के जरूरत के हिसाब से आपको ड्यूटी दी जा सकती है। अगर बात करें यहीं पे स्टेवर्ड के काम की तो दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फूड इन द ऑफिसर, इनका मेन जो काम है यहाँ पे वेटर, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग ऑफ फंड, वाइन एंड स्टोर्स, प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि स्टेवर्ड का काम यह है कि जो यहाँ पे सेफ लोग खाना बनाएंगे उसको ये लोग रेडी करेंगे, ऑफिसर के सामने परसने वाला काम करेंगे, वेटर यानी कि पानी वगैरह देंगे, हाउसकीपिंग यानी कि सारी चीज़ें ख्याल रखेंगे, क्लीन करेंगे और यहाँ पे इनको वाइन वगैरह स्टोर वगैरह को देखना होगा। साथ में यहाँ पे जो मेन्यू यानी कि खाना बनने वाला है उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा लगाना होगा। साथ में इनको भी सर्विस के हिसाब से, रिक्रूटमेंट के हिसाब से अदर ड्यूटी भी दी जा सकती है। देन इसके बाद बात करें हाइजेनिस्ट के बारे में तो यहाँ पे दे विल बी रिक्वायर्ड टू क्लीन वाशरूम, सोवर स्पेस एंड अदर एरिया, यानी कि जो हाइजेनिस्ट की पोस्ट होगी इसके अंदर वाशरूम और यहाँ पे जहाँ पे नहाते हैं और अदर एरिया यानी कि रूम वगैरह साफ करने के लिए इनको ड्यूटी दी जाती है और इनको भी सर्विस के रिक्वायर के हिसाब से अदर ड्यूटी भी दी जा सकती है। अगर बात करें यहाँ पे के बारे में तो ट्रेनिंग के दौरान पर मंथ आपका 14,600 रुपये और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये, साथ में 5,200 रुपये का आपको यहाँ पे DA वगैरह भी मिलेगा। इसके अलावा आपका जब प्रमोशन होगा तो यहाँ पे देख पाएंगे डायरेक्टली मास्टर से पेटी ऑफिसर की पोस्ट पर, जहाँ पे लेवल 8 के अंतर्गत आपको 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये प्लस 5,200 रुपये प्लस यहाँ पे आपको DA भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जहाँ पे ये बोला गया है कि आपका साथ में यहाँ पे COVID-19 की वजह से 1,750 कैंडिडेट को कॉल अप लेटर यानी कि एडमिट कार्ड, रिटर्न एग्जाम और PFT के लिए भेजा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलता है 50 लाख रुपए का। इसके बाद यहाँ पे आपका जो रिटर्न टेस्ट है उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों होंगे और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2 सेक्शन होंगे जहाँ पे साइंस एंड मैथमेटिक्स का और जनरल नॉलेज का होगा और ये सारा का सारा 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा यानी कि 10वीं लेवल का होगा और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकें। इसके बाद यहाँ पे जो भी रिटर्न एग्ज़ाम में यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा उसको PFT का मौका भी यहाँ पे सेम डे में दिया जाएगा। 30 मिनट के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी लिया जाएगा।
अगर बात करें कि फिजिकल के अंदर क्या क्या होना है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल के अंदर यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग इन PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के लिए आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जहाँ पे आपको 7 मिनट के टाइम में 1.6 किलोमीटर की रनिंग कम्प्लीट करनी होगी, 20 उठक बैठक लगाने होंगे और 10 पुशअप्स भी लगाने होंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे मेरिट वगैरह बननी होगी जो कि 450 कैंडिडेट की बनेगी, और इसके अलावा यहाँ पे फाइनल आपका मेडिकल होगा। 450 कैंडिडेट को INS चिल्का के अंदर यहाँ पे बोला गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे आपका जो यहाँ पे हाइट है मिनिमम 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वेट वगैरह आपको मेडिकल के अंदर बोला गया है कि वेट वगैरह जो है, तो वेट और चेस्ट यहाँ पे आपको बोले गए हैं, चेस्ट का एक्सपेंशन जरूर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होने चाहिए। इसके बाद आईज, यहाँ पे आई साइट के बारे में बोला गया, यानी कि आंखों के बारे में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, आखिरी डेट के बारे में 23 जुलाई 2021 है, और बाकी यहाँ पे बताया गया कैसे आपको आवेदन करना होगा। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि आप लोग कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी की तरफ से MR भर्ती 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर अगर आप लोग केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर वैकेंसी आपको 350 यानी कि 350 मिलेंगी, जहां पे ऑल इंडिया लेवल से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, आप लोग निःशुल्क आवेदन करेंगे। आवेदन करने की आखिरी डेट 23 जुलाई 2021 है, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करने होंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे इंडियन नेवी मेट्रिक रिक्रूट MR रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर 350 पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करने होंगे। इसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन आपका ज्वाइंट इंडियन नेवी रहेगा, जहां पे आपको मैट्रिक रिक्रूट यानी कि यहां पे सेफ की, स्टेवर्ड की और आपको सेनेटरी हाइजेनिस्ट की वैकेंसी मिलेंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 350 मिलेंगी, जहां पे आप लोग 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आपको ऑनलाइन और अक्रॉस इंडिया से करना होगा। अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे। आपकी एज यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन यहां पे रिटर्न एग्जाम और PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर होगा। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। वेतन आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपए प्लस 5,200 आपको पर मंथ का अलग से DA वगैरह भी दिया जाएगा। अप्लीकेशन शुल्क बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद कैसे आवेदन करना उसके बारे में है। फाइनली आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिया गया है, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर पे बटन पे एक बार क्लिक करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो डाउनलोड का लिंक आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड की बटन आएगी, इस पर क्लिक करेंगे और की फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब आपका नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज आएगा, जहाँ पे आपको आवेदन करने के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। आपको अप्लाई यहीं से करना होगा। लिंक जो है तो यहाँ पे बोला गया है कि 19 अगस्त के दिन एक्टिवेट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको आवेदन करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने की वीडियो बना के दूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो की अपडेट भी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।